एक ट्रक दे वलो बाइक ते जा रहे दो लोकां नू टक्कर मारी गई, जिस तो बाद मौके ते विधायक नरेंद्र पाल सवना रुकदे ने, जिन्हां दे वलो दोनां नू लोकां दी मदद दे नाल एंबुलेंस राही हस्पताल दे विच भर्ती करवाया जांदा है। दस दिए कि इस हादसे दे विच इक शख्स की मौत हो जाती है। तो पूरा मामला फाजिलका तो सामने आया है, जिथे एक ट्रक वाला बाइक सवार दो लोगों को दरड़ता हुआ मौके तो फरार हो जाता है, जिस तो बाद हल्के के विधायक नरेंद्र पाल सवना की गड्डी उतो लंघ रही होती है। तो लोगों के वलों उन्होंने इस हादसे की सूचना दी जाती है, जिस तो बाद तुरंत गड्डी चो बाहर आते हैं तो हादसे के पीड़ित लोगों को एंबूलेंस के राही हस्पताल दे विच भर्ती करवाते हैं, तो फिर उत्थे जाके भी इलाज दौरान वह मौके पर ही मौजूद रहते हैं। तो इस हादसे के एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप के नाल जख्मी है, जिसका कि इलाज किया जा रहा है। तो दस दिए कि हुण मामला पुलिस के कोल पहुँच गया, जिथे पुलिस के वलों हुण फरार ट्रक चालक की भाल की जा रही है। तो दर्दनाक हादसा होया है, जिथे मौके पर ही विधायक रुक जाते हैं तो लोगों की मदद के नाल इस शख्स नूं हस्पताल पहुंचाउंदे ने। तां विधायक दे इस काम बारे तुसीं की कहना चाहुंदे हो कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दस्सिओ। जा रहा सीगा और मैनूं एक लड़का सीगा, उहने रोक के दस्सिआ कि एक एक्सीडेंट होया, और नाल कुदरती साडे पिछे एंबूलेंस सी, असीं एंबूलेंस नूं भेजिआ, मैं आप पहुंचा उत्थे एस डी एम दफ्तर के सामने एक्सीडेंट होया सी, और दो मोटरसाइकिल ते दो जणे सीगे, उन्होंने दोनों नूं असीं हस्पताल पहुँचाया, और एक दी तां जिहड़े डैथ हो गई है, और एक दा जिहड़ा इलाज चल रहा वो बच गया, परमात्मा का शुक्र है उन्होंने जान बच गई, और उस तों बाद हुण असीं हॉस्पिटल आए हैं, और उन्होंने घर के जिहड़े पहले ही इत्थे दवाई लैण आए हुए सीगे जी, तां ये थोड़ा जिहा पिछे आ रहे सीगे, जिवें दस रहे ने उन्होंने कि चाचा हैगा जिहदा लड़का डैथ हुई है, एक वाए दे नाल इत्थे दे पिंड चक मोचन वाला पिंड है भी, एक उत्थों दा ते एक नाल कोई होर पिंड उत्थों दा रहण वाला जी, जी तां जिहड़ी डैथ हो गई सी उत्थे मौके ते खून काफ़ी खिल रहा पिया सी, दिमाग ते सट दिमाग दे विच खून निकल गया सी, उहदा डॉक्टर ने इत्थे उहनां नूं डैथ घोषित कीता, और दूसरे जिहड़े ने दूसरा जिहड़ा नौजवान है उहदा इलाज चल रहा, उह सही है, जान तों खतरे तों बाहर सारे डॉक्टर्स इतने एमरजेंसी के तैनात ने, साढ़े नाल दी नाल ही जिहड़े भी कोई इतने आउंदा एमरजेंसी के उन्हों का इलाज नाल दी नाल कीता जा रहा है, और जिहड़े लोगों की जिहड़ी है किसी भी कोई प्रॉब्लम आती है कोई एक्सीडेंट तो उन्होंने जान बचाई जा रही है, बहुत वधिया डॉक्टर काम कर रहे हैं। एक ट्रक दे वलों बाइक ते जा रहे दो लोगों नूं टक्कर मारी गई, जिस तों बाद मौके ते विधायक नरेंद्र पाल सवना रुकदे ने, जिन्हां दे वलों दोनों नूं लोगों की मदद दे नाल एंबूलेंस राही हस्पताल दे विच भर्ती करवाया जांदा है। दस दिए कि इस हादसे दे विच इक शख्स की मौत हो जाती है। तो पूरा मामला फाजिलका तो सामने आया है, जिथे एक ट्रक वाला बाइक सवार दो लोगों नूं दरड़ता हुआ मौके तो फरार हो जाता है, जिस तों बाद हल्के के विधायक नरेंद्र पाल सवना की गड्डी उतो लंघ रही होती है। तो लोगों के वलों उन्होंने इस हादसे की सूचना दी जाती है, जिस तो बाद तुरंत गड्डी चो बाहर आते हैं तो हादसे के पीड़ित लोगों को एंबूलेंस के राही हस्पताल दे विच भर्ती करवाते हैं, तो फिर उत्थे जाके भी इलाज दौरान वह मौके पर ही मौजूद रहते हैं। तो इस हादसे के एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप के नाल जख्मी है, जिसका कि इलाज किया जा रहा है। तो दस दिए कि हुण मामला पुलिस के कोल पहुँच गया, जिथे पुलिस के वलों हुण फरार ट्रक चालक की भाल की जा रही है। तो दर्दनाक हादसा होया, जिथे मौके पर ही विधायक रुक जाते हैं तो लोगों की मदद के नाल इस शख्स नूं हस्पताल पहुंचाउंदे ने। तां विधायक दे इस काम बारे तुसीं की कहना चाहुंदे हो कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दस्सिओ। जा रहा सीगा और मैनूं इक लड़का सीगा, उहने रोक के दस्सिआ कि इक एक्सीडेंट होया है, और नाल कुदरती साडे पिछे इक एंबूलेंस सी, असीं एंबूलेंस नूं भेजिआ, मैं आप पहुंचा उत्थे एस डी एम दफ्तर के सामने एक्सीडेंट होया सी, और दो मोटरसाइकिल ते दो जणे सीगे, उन्होंने दोनों असी हस्पताल पहुँचाया, और एक दी तां जिहड़े डैथ हो गई है, और एक दा जिहड़ा इलाज चल रहा है वो बच गया है, परमात्मा का शुक्र है उन्होंने जान बच गई, और उस तों बाद हुण असी हॉस्पिटल आए हैं, और उन्होंने घर के जिहड़े पहले ही इत्थे दवाई लैण आए हुए सीगे जी, तां ये थोड़ा जिहा पिछे आ रहे सीगे जिवें दस रहे ने
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੜਕਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮੋਚਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੂਨ ਕਾਫੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ।